विश्व में प्रसिद्ध खेल का सामान बनाने के लिए खेल नगरी मेरठ ने देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। आज भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना का लाभ भी मेरठ के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे नए खिलाड़ियों को भी मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिन खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोच की नियुक्ति की जा रही है जिससे वो अच्छे खेल के प्रदर्शन के साथ देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर स्वयं खेल को बढ़ावा देने में रुचि ले रहे हैं जिसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। खेलो इंडिया के तहत 75 जिले में एक डिस्ट्रिक्ट एक खेल के अंतर्गत वो खेलो इंडिया सेंटर खोला गया है। इसमें साई ने जो मेन मकसद रखा है, एम रखा है, उसमें जहां की जो सेंटर में अच्छा खिलाड़ी है तो वहां की खेल को बढ़ावा देने के लिए ये सेंटर खोला गया है। मान लीजिए खिलाड़ी के लिए तो एक जीवनदान वाली स्कीम है कि इसमें बच्चों को एक मोटिवेट तो हुए। अब सभी का रुझान नेशनल की कंपटीशन की पूछने के लिए नहीं होता, मेरे से पूछते हैं सर, इसमें पेरेंट्स भी आते हैं कि मेरे बच्चों को खेलो इंडिया खेलना है। जैसे कि हमारे यहाँ मेरठ में खेलो इंडिया सेंटर भी मिला है, तो खेलो इंडिया सेंटर मिलने से अब जब वो खेलो इंडिया सेंटर शुरू होगा तो उससे जो छोटे बच्चे हैं, जो नए बिगनर हैं, उनको डाइट का, उनको किट का, इक्विपमेंट्स का जो खर्चा फ्री में मिलेगा उससे पेरेंट्स पे भी लोड नहीं पड़ेगा और बच्चे को भी अच्छे इक्विपमेंट और फ्री में मिल जाएंगे। मैं खेलो इंडिया भी खेली हूँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेली थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था, शॉर्ट पुट में मैं रिकॉर्ड भी करके आई थी वहाँ पे। खेलो इंडिया काफी अच्छी संस्था है, सरकार अच्छा कर रही है खिलाड़ियों के लिए। उनको बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं जो अपने लिए किट भी नहीं ले पाते और अपनी जरूरत की चीजें भी नहीं ले पाते। उस टाइम पे मतलब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को अच्छी सुख सुविधा भी मिल रही थी और बच्चों को किट भी मिली, अच्छी किट मिली, खाने पीने की भी अच्छा वो था, सिस्टम था। तो इससे खिलाड़ी आगे बढ़ भी सकता है और सरकार ऐसे ही अगर करती रही तो खिलाड़ी आगे अपने देश का नाम बाहर प्रदेश उसमें भी रोशन करेंगे दूसरे देशों में। मैं यहाँ कैलाश प्रकाश स्टेडियम में अपने शॉर्ट पुट की तैयारी कर रहा हूँ और जिस प्रकार खेलो इंडिया की योजना है उस और हमारे स्टेडियम से भी कई सारे मेडल्स बच्चों ने लाए हैं तो उन्हें देख देख कर हमें भी मोटिवेशन मिल रही है और इसमें हमें किट भी और रहने सहने का वो भी मिल रहा है तो इसलिए हमें और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और मेहनत करें और हम अपने देश के लिए मेडल ला सकें।